याला कोंबडा म्हणतात, मतलब ये झाड का नाम कोंबडा है आणि याला तेरडा म्हणतात, और ये कहाँ यूज होते हैं, मैंने क्यों तोड़े है, इसके लिए आपको वीडियो देखते रहना पड़ेगा। हे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे रास्ता फुल हरा भरा है मस्त, और बारिश में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बारिश है, और इतना ये कुछ प्लांट्स चाहिए थे घर पे पूजा के लिए। पूरा तांदुवाड़ी रीजन है जहाँ पे मैं ट्रैक के लिए जाता हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तांदुवाड़ी का वीडियो प्लीज जाके देखो। और अभी ये रीजन पार करके एकदम सी शोर पे आता है मेरा गांव, तो वहाँ पे चलते हैं, घर दिखाता हूँ, लेट्स गो। बारिश ने पूरा रास्ता इतना मतलब इतना ज्यादा बारिश था ना, अभी भी हो रहा है देखो। और गाइस फाइनली मैं मेरे घर में पहुंच चुका हूँ, सो अबा अजी अटे बघ सो फाइनली मैं घर में आ गया हूँ, पहुंच गया हूँ। 3 घंटे लगे हमें यहाँ पे मुंबई से ट्रैवल करके आने में, और ये है मेरा घर, एकदम पुराना टाइप का घर है गांव का। आवाज होता है इसका फोन ना? आवाज होता है, मैं आता सका ये ना रखा है, मैं आई थी लो मैं ना आता सांची जेनर हो तो। सो गाइज आज बहुत बारिश है और शाम भी हो चुकी है, सो मैं आपको घर का टूर जरूर करवाने वाला हूँ, बट कल। सो स्टे ट्यून्ड, वीडियो देखते रहो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। हम लोग यहाँ पे पहले स्टॉप एंड पार्टी हाइड एंड सीक खेलते थे, और वो होती थी फेवरेट जगह छुपने की, माया। चला मायावर जाओ, ये घर ये पूरा सागवान के लकड़े में बना है, सागाचा लाकड़ा ने पूर्ण घर बांधलेले है, कम से कम 100 साल पुराना रहेगा, 100 ईयर्स ओल्ड है ये। और यहाँ पे सारी जूनी चीजें हैं, जैसे मटका है, जूनी कुर्सियां है, एंड ऑल ओल्ड थिंग्स वी हैव केप्ट हियर। यहाँ पे हम लोग पढ़ने के लिए यूज करते थे, सोने के लिए, छुपने के लिए। हाँ, पोर्टमाया है वर्ती, सो वहाँ पे एक सीढ़ी है, वहां से अगर आप जाओगे तो ऊपर वो पोर्टमाया है, उधर भी छुपते थे। एंड हियर लुक व्हाट आई फाउंड, ये राज के बचपन का हिप्पोपोटामस है, जिसपे वो कम मैं ज्यादा खेलता था। सो ये है काफी पुराना ऐसा, बहुत बड़ा ऐसा माझा गावचं घर, गावचा वाडा। एंड अभी मैं नीचे जाता हूँ, आपको पीछे के साइड में क्या क्या है वो थोड़ा सा बताता हूँ। चलो फाइनली धूप हुआ है यहाँ पे, और ये पूरा मेरा घर है, हला ओटा म्हणतात। और ये ओटा इतना बड़ा है ना, मतलब बचपन में हम लोग यहाँ पे स्केटिंग खेलते थे, इतना बड़ा ये ओटा है, वरांडा जिसको बोलते हैं। एंड दिस इज माई एंटायर बैकयार्ड बोलते हैं ना फुल, और पीछे घर की मालकिन बैठे हैं। आजी हाय कर, हाय कर। फुल ग्रीनरी है इधर, सो अपन ने सोचा कल भी ग्रीन टी शर्ट पहना था, आज भी ग्रीन टी शर्ट पहना है, सो अपन भी थोड़ा ग्रीन बनते हैं। और यहाँ पे इफ यू सी दिस इज, ये लाची का झाड़ है, बचपन में मैंने लगाया था, वो मस्ती थी ना कि इसको लाची आएंगे फिर मैं खाऊंगा, बट इस कंबक झाड़ ने मुझे एक भी लाची नहीं दी। Here if I show you, ये मैंने ही लगाया था शायद, आई एम नॉट श्योर, ये नींबू का झाड़ है, सो इफ यू सी दिस इज लेमन। और हाँ दिस वन, यू सी दिस, हाला बोलता है डेट, सो डेट वाल की एक भाजी होती है, वो बहुत सही लगती है, तर ही डेट वाला ची भाजी अच्छी अपन आज करणार आहोत, आज पिठोरी है, सो उसके लिए नैवेद्य में भी हो जाएगा। ठीक है, डेट आणि लिंबू है, लिंबू पडलेलं नाही, तोडलं, मंगळवारची लिंब तोडायची नसतात हे मला माहिती नव्हतं, सॉरी। काय तुम्ही पण ऐसा कसा, काहीच नसतं ऍक्च्युली। आज वो हमारे इधर गार्डन बिर्डन है, उसका फोटो कभी नहीं निकालते, बट आज इधर इधर झाडपान का सब फोटोग्राफी चल रहा है। और ये महादारापुडल्या नारळाला हाई लागली आज, पण भंडाऱ्या अद्याप काय पत्ता नाही, भंडाऱ्यान फसवलं, आता 80 येईल बहुतेक, हा 4-5 हाय आहात,
सो गाइज, ये वाडवल लैंग्वेज है, मेरा रीजनल लैंग्वेज जिसमें मैं अभी बात कर रहा था। और यहाँ पे देखो, ये दिस इज़ द आउट हाउस जो हम लोग जनरली स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। अलग अलग चीज़ें रखते हैं इसमें, इक्विपमेंट्स रखते हैं, और यहाँ फर्नेस है। और हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है ना, दिस ये टंकी है। इस टंकी में बचपन में नितीश दादा, मी, राज, चिनू, गौरांग, हम लोग इतनी मस्ती करते थे ना, मारायचे, भांडण पण करायचे, एंड वी यूज टू प्ले इन दिस टंकी। अब हम बड़े हो गए इस टाकी के लिए बहुत ज़्यादा। और हाँ, दिस इज़ कोयता, विच इज़ जनरली यूज फॉर आवणी कापणी के लिए यूज़ करते हैं, ये भाताच्या शेतीसाठी अशा प्रकारचा कोयता यूज़ करतात। एक पेटी थी, एक संदूक था यहाँ पे हॉल में, जहाँ पे सब कोयते, कुराड़ी वगैरह सब हथियार जो है ना खेती के लिए, फार्मिंग इक्विपमेंट्स, वो सब रखे रहते। मैं वापस माले पे आया हूँ क्योंकि मुझे भेजा गया पार्ट लाने के लिए। अभी ये देखो, ये ऐसे पेटी होती थी पहले, इसका अगर आप लॉक देखोगे ना तो एकदम पुराने स्टाइल का है। और इधर ये पार्ट रखा हुआ है जो अभी हम लोग लेके जाने वाले हैं। सो दिस इज हला टोकरा म्हणतात, टोकरी। दिस इज भाताचा सूप म्हणतात हला। सो चावल को साफ करने के लिए या कुछ भी साफ करने के लिए ये सूप यूज करते थे, भाताचा सूप। आणि त्याच्या खाली उसके नीचे ये पार्ट है। तो ये पार्ट क्यों चाहिए? क्योंकि आज घर में पूजा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ तो होने वाला है, तो वीडियो प्लीज़ देखते रहो। इंसूल है, सो घर का गैस गांव का, सो इस पर हम लोग कुछ रेसिपी बनाने वाले। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और ये वीडियो देखते रहो। मेरे अंकल हर वीकेंड यहाँ पे आते हैं, मेंटेन करने की कोशिश करते हैं इसे अच्छे से, काफ़ी मेंटेन करके रखा है इतना जूना घर अभी तक। वो पीछे देखो, उधर दादाजी, आबा आए करा है, हाय करा। एंड मैं यहाँ पे वापस आया ताकि मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो बताने वाला हूँ यहाँ पे, और वो है ये कुआ हिबीर। इसमें कितना पानी, आप देखते हैं, दिख रहा है आपको, ऑलमोस्ट पूरा भर चुका है, पूरा फुल है, फुल है वेल। वो पीछे दिख रहा है आपको, आलूची पाना, आळूवडी जिसका बनाते हैं ना, ती आळूची पानं, ती एवढी मोठी झाली आहेत ना तिकडे। अँड ही आंबेहळद आहे, आंबेहळदीची पानं आहेत ही। इसका स्मेल मस्त रहता है। जनरली पातोळ्या या मोदक बनाने के लिए आंबेहळद यूज करते हैं। अभी सोते वक्त मुझे याद आया कि इस वीडियो का एंडिंग ही करना मैं भूल गया। सो फिलहाल ट्रैवलिंग वेवलिंग सब बंद है, तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें डेली लाइफ की मैं आपको बताता रहूँगा। गांव में मेरे काफ़ी कुछ होता है, सो जल्दी कुछ तो नया इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब करो। सो दैट्स इट फ्रेंड फॉर टुडे, टिल देन बाय बाय, चलो गुड नाइट।